अर्जुन अगर तू युद्ध करेगा उसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो तू लड़ाई के मैदान में मारा जाएगा। जो क्षत्रिय रण क्षेत्र में शहीद होता है क्षत्रिय धर्म के अनुसार वो स्वर्ग जाता है, तो अगर तू मारा गया तू स्वर्ग जाएगा, और यदि तू जीत गया तू हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तेरा लॉस नहीं हो सकता युद्ध करने पर, या स्वर्ग मिलेगा और या मृत्यु लोक में राज्य मिलेगा। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो वास्तव में बुद्धिमान है। क्या मतलब? देखिए, गीता का प्रारंभ आप लोगों को बताया था कि अर्जुन ने कहा महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे गुरुजन हैं, मेरे पूज्य हैं, उनको मैं मारूंगा पाप लगेगा, उनकी स्त्रियां विधवा होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा, पाप के कारण मैं नरक जाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने यह भी कहा दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में, महाराज मैं समझ नहीं रहा मेरा कर्तव्य क्या है, मैं आपका शिष्य हूं, आपके प्रपन्न हो, आप मुझे ज्ञान कराइए। तो श्री कृष्ण ने कहा देख अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं करेगा ये बुरा कर्म होगा। महाराज युद्ध नहीं करना ये तो अकर्म है, आप बुरा कर्म कैसे मान रहे हैं? देख अर्जुन, हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है, कर्म होता है। भगवान संसार में जीव को भेजता है तो साथ में उसके लिए कर्म बनाता है। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म धर्म ये है कि तू युद्ध करे। अगर तू ऐसे लड़ाई के मैदान से भाग जाएगा, अपना कर्तव्य पालन नहीं करेगा, ये बुरा कर्म अधर्म कहलाएगा और परिणाम में तू नरक जाएगा। तो अर्जुन ने कहा महाराज ठीक है, अगर मैं युद्ध नहीं करता तो ये अधर्म कहलाएगा, मैं नरक जाऊंगा। अगर मैं युद्ध करता हूं तो क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। अर्जुन अगर तू युद्ध करेगा उसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो तू लड़ाई के मैदान में मारा जाएगा। जो क्षत्रिय रण क्षेत्र में शहीद होता है क्षत्रिय धर्म के अनुसार वो स्वर्ग जाता, तो अगर तू मारा गया तू स्वर्ग जाएगा, और यदि तू जीत गया तू हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तेरा लॉस नहीं हो सकता युद्ध करने पर, या स्वर्ग मिलेगा और या मृत्यु लोक में राज्य मिलेगा। अर्जुन ने कहा महाराज स्वर्ग लोक में सुख है क्या?
वो तो नहीं है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। वहां जब पुण्य क्षीण होगा तो वापस मृत्यु लोक में आएगा। यानी पुण्य करके स्वर्ग गए, पुण्य क्षीण हुआ, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई, फिर वापस लौट आए। तो महाराज जब मैं स्वर्ग लोक से वापस आऊंगा क्या मैं फिर से अर्जुन बन जाऊंगा? श्री कृष्ण ने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्वर्ग से उतरेंगे तो कुछ भी बन सकते हैं। हीन तरम वा विशंति, कीट पतंग पशु पक्षी। तो महाराज ये स्वर्ग तो बेकार का है, दो कौड़ी का है। आप क्यों कह रहे हैं स्वर्ग जाइए, आप ही जाइए, मुझे नहीं जाना। और मृत्यु लोक का राज्य मैं कर चुका हूं, इंद्रप्रस्थ का राजा था ना, तो वहां भी मुझे सुख तो मिला नहीं। तो ये दोनों बेकार हुए। अगर मैं युद्ध करता हूं या स्वर्ग मिलेगा या राज्य मिलेगा, दोनों से मेरा जो प्रयोजन है दिव्यानंद प्रेमानंद भगवत प्राप्ति वो तो हल नहीं होगा। तो मैं तो महाराज अच्छा फंसा। अगर मैं युद्ध नहीं करता हूं ये अधर्म कहलाता है, नरकदायक है। अगर मैं युद्ध करता हूं ये धर्म कहलाता है, इससे भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। अब मैं क्या करूं? तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन देख, तू युद्ध कर ऐसा भी न कर, युद्ध न कर ऐसा भी न कर, ऐसी कोई विचित्र बात तू कर। अर्जुन ने कहा महाराज ये अजीब पहेली है, ये मेरे सिर की ऊपर से जा रही है। आप गुरु जी हैं, मैं शिष्य हूं, जरा मेरे लेवल पर आकर तो समझाइए ना। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन इस पहेली को जिसने बूझ लिया वो कृतार्थ हो गया, माला माल हो गया। देख तू युद्ध न कर ऐसा नहीं कर, वरना वो विकर्म कहलाएगा, और युद्ध कर ये कर्म कहलाएगा। तो विकर्म से नरक मिलेगा, कर्म से स्वर्ग मिलेगा। तू अकर्म कर, अकर्म मतलब करते हुए भी कुछ न कर। क्या मतलब? तू कर्म तो कर लेकिन फलासक्ति मत रख, अपने लिए मत कर। ड्यूटी है, करना है, करते हुए अपने मन की आसक्ति को भगवान में कर दे। तो क्योंकि कर्म के फल में तेरी आसक्ति नहीं होगी, वो कर्म कुछ न करना ही माना जाएगा। इसीलिए अर्जुन ने महाभारत में कर्म तो किया, इतनी सारी हत्याएं कर दी, लेकिन वो फलाशक्ति रहित कर्म था, तो वो कुछ न करना ही माना गया। श्री कृष्ण का प्रसिद्ध उद्घोष है ना, ये श्लोक तो सभी जानते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन कर्म कर लेकिन फल की आसक्ति मत रख। कैसे? देखिए जैसे एक नर्स हॉस्पिटल में ड्यूटी करती,
वो ठीक ठीक कर्म करती है, लापरवाही नहीं करती, वरना तो कोई मर जाएगा, लेकिन सुख दुख का अनुभव नहीं करती। चाहे बच्चा पैदा हो उसे खुशी नहीं होती, एक्टिंग में भले कह दे बधाई हो आपके लड़का हुआ हमारी दक्षिणा, लेकिन भीतर से खुशी नहीं। और कोई मर गया तो भी भले वो एक्टिंग में मुंह लटका दे, लेकिन अंदर से दुख नहीं होगा। हमने तो बहुत प्रयत्न किया, भगवान की यही इच्छा होगी। खैर, शव को बाहर निकाली, अगले पेशेंट को आना। यानी वो हॉस्पिटल में न सुख मानती है न दुख मानती है, केवल कर्तव्य पालन करती है। और मां होती तो बच्चा पैदा होने पर सुख मानती, बीमार पड़ने पर दुख मानती। भगवान कहते तुम संसार में सुख दुख मत मानो, केवल कर्तव्य पालन करते जाओ। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी YouTube चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।